ये वाले व्लॉग में अगर 40,000 लाइक्स अगर आए तो मैं फॉर श्योर आने वाला हूँ नेपाल, एंड नेपाल का ट्रिप बहुत ही क्रेजी होने वाला है इस बार का। ओके सो गाइस, हमारा कल म्यूजिक वीडियो लॉन्च हुआ एंड कल इतना ज्यादा रिस्पांस कि आज के दिन में आप अगर यूट्यूब खोलोगे और एक्सप्लोर पे जाओगे तो लुक एट दिस, आपका आकाश फर्स्ट ट्रेंडिंग पे। ओ माय गुडनेस, भाई साहब इतना ज्यादा अच्छा लग रहा है कि ट्रेंडिंग वन पे आई एम सो हैप्पी। एंड दीदी से पूछते, दीदी ट्रेंडिंग वन पे जो तेरा तूने बोला था पिछले वाले ब्लॉग पे दीदी ने बोला था कि ट्रेंडिंग वन पे आना चाहिए और वो भी आ चुका है। थैंक यू गाइस, ऐसे सपोर्ट करते रहो आकाश को। हाँ, मैं बोल रहा था ट्रेंडिंग वन पे आ गया, मतलब इंडिया में सबसे नंबर वन पे वीडियो हमारा। बाकी आज का मौसम गाइस इतना प्रिटी है, ना कि बारिश हो रहा है ना धूप हो रहा है। मैं घर पे ऐसे ही बैठा था तो मेरा एकदम से क्रेविंग हो गया कि भाई इतने प्यारे मौसम पे नारियल पानी पीने का मन कर गया, पता नहीं क्यों। गाड़ी भी इधर है पापा, बिकॉज अभी ड्यूटी नहीं गया, अभी पापा जो है घर पे सो रहे हैं, रेस्ट ले रहे, तो मैंने बोला कि चलो भाई ठीक है अभी मैं चलता हूँ। गाड़ी लेके निकल तो गया था बट पैसे लेके ही नहीं गया। ओके सो गाइस, मेरा ना मतलब ऐसा नारियल पानी पीने का मन तो कर रहा था बट फिर मैंने ना रास्ते में बीच में ये देख लिया, भैया एक बुट्टा दे दो, मक्का अच्छे से भूज के दे। हाँ अच्छे से भूज के देना भैया, एकदम बढ़िया। मेरा मन था नारियल पानी पीने का, फिर मैंने बोला कि रस्ते में है ना मौसी के पास है, मौसी के पास है बट अभी ये देख लिया ना तो मन कर रहा है ये खा लूँ, ये खा ले। हाँ आप बोलो तो देख लो फिर मैं वो खा लूंगा, आपसे बढ़कर कुछ नहीं है। नहीं नहीं मेरे हिसाब से ये खा लो, आपके हिसाब से ये खा लूँ मैं। हाँ डन, नहीं अगर आप बोलते नारियल पानी पी ले मैं पी लेता आराम से। ओके ओके ठीक है। हाँ तो अभी क्या करूँ बताओ, भुट्टा खाऊँ नारियल? भुट्टा भुट्टा भुट्टा, अच्छा बहुत टेस्टी है भाई। सो गाइज, मेरे को भुट्टा इतना टेस्टी लगा कि मैंने घर के लिए भी एक पैक कर लिया। ओके सो गाइज, अभी मैं बना रहा हूँ ओरियो शेक एंड मैं ओरियो शेक लेके आया बट मेरे को ना ब्लैक वाला चाहिए था, ब्लैक एंड व्हाइट वाला, बट ये रेड वेलवेट वाला है, कुछ तो नया मेरे को दिखा तो फिर मैंने बोला चल आज ये वाला ट्राई कर लेता हूँ। सो गाइज लुक एट दिस, कितना प्यारा कलर आया है यार, पिंक पिंक भी नहीं बोलेंगे इसको, बेबी पिंक बोलेंगे शायद। हाँ ओ माय गॉड, चल चल चल। ओके सो गाइज, राइट नाउ वी आर गोइंग बाहर घूमने के लिए। वाह दो दो ताला लेके आए, वाह इतना क्या, इतना सोना छुपा के रखा है क्या घर के अंदर? सोना तो है, सोना तो ठीक। सो बाकी अभी हम जा रहे हैं बाहर भाई बहन पूरा घूमने के लिए, बिकॉज दीदी लोग और मेगा और बरसा दीदी का प्लान था, फिर मैंने बोला कि मैं भी चलूंगा। तुम लोग को बहुत अच्छा लगता होगा ना मेरे साथ घूमते हो तुम, क्या तब। ओके सो गाइज, अभी हम आए हैं इन्फिनिटी मॉल एंड आज का दिन हमारी दीदी के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है बिकॉज आज वो अपना करा रही है क्या कुछ तो, मतलब अपने आप को सजा रही है, मतलब शादी के लिए ग्लो लाने, शादी के लिए ग्लो कर लाने के लिए हमारी दीदी जो है इन्फिनिटी मॉल आई है। एंड बाकी आज क्या करा रही है तू? फेस का फेशियल टाइप वो करा रही है। सो गाइस, दीदी अभी गई है फेशियल कराने और मैं यहाँ पर ज़ारा आया था और ज़ारा में मैंने लाइफ में पहली बार इतनी ज़्यादा शॉपिंग की होगी, बिकॉज इसीलिए किया क्योंकि इसमें सेल लग रहा था, क्योंकि विदाउट सेल पता है आपको कितने ज़्यादा प्राइस है, एक टी शर्ट भी इनका 4000 है बट सेल में अभी 1200 कुछ तो हो गया है। फिर उसके बाद मैंने उसी टाइम योगेश को फ़ोन किया, मैंने बोला भाई देख सेल लगा, तो वो बोलता भाई मैं आ रहा हूँ, तो वो आ ही रहा है अभी नहीं ज्यादा ना बोला कर गाइस, मेरा भाई आ चुका है, इसने भी शॉपिंग की मैंने भी शॉपिंग की। गाइस अब जैसे कि आप लोग को पता है मैं तो अपनी फैमिली के साथ रहता हूँ बट मेरा जो भाई है ये ना अकेला रहता है, बहुत ओवरथिंक करता है, जो ऑब्वियसली हमारे एज में सब करते ही हैं, बट ओवरथिंक इसका ना वैसा नहीं है, सक्सेस के पीछे नहीं है, इसकी गर्लफ्रेंड नहीं बन रही है गाइस, इसकी ना गर्लफ्रेंड कोई भी गर्ल इसे पसंद करती है या फिर बॉय पसंद करता है, प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें। हां मां इसको गाइस प्लीज डीएम करें, बेचारा ये सिंगल, मतलब कब से कितने सालों से सिंगल ही है मेरा भाई, तो प्लीज आप इसे डीएम करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। सो गाइस अभी हम खा रहे हैं मोमोज, तो मैंने अपने भाई को बोला कि मैंने ऊपर ही खा लेते हैं, अभी फिर क्या है ना मॉल के बाहर आ गए तो मैंने बोला कि चलो कोई नहीं स्ट्रीट फूड खाएंगे, पर मुंबई के मोमो बड़े महंगे होते गाइस है ना। हाँ कह रहे हो शर्म नहीं आ रही, थोड़ा सस्ते रखो। हमारे देहरादून में पता है कितने का है? हाफ 30 रुपीज़ का है। क्या आ, 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 जो खुशबू आए ना आप, तो अभी मैं आई हूँ मामा अर्थ पे, तो मैं अभी यहाँ पे ले रही हूँ। हम लोग पहले गए थे फेशियल करवाने फेस का, उसके बाद आकाश चला गया था, फिर अभी वो वापस आ गया है एंड अभी हम लोग आकाश को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो हमें मिल जाए, उसके बाद हम लोग घर जाएंगे। मेरा तुझे कैसा लगा फेशियल करवा के? मेरे को नहीं पता,
था, कह रही मेरा क्यों बता रही है। एक्चुअली उसमें पैकेज था कितने, मतलब 6 फेशियल में 6 फ्री, तो पूरा 6 तो मैं तो नहीं करा सकती, तो मेगा और मैंने मिलके करवाया। ओके सो गाइस, मैंने शॉपिंग कर लिया, हमारी जो दीदी आई थी जिसके लिए फेशियल उसने भी कर लिया, बट लग नहीं रहा गाइस, ध्यान से देखोगे ना बट डिफरेंस भी नहीं दिख रहा, ग्लो आने में एक दो दिन लगता है, वही मेरे को तो डिफरेंस नहीं दिख रहा भाई, बट अभी वही है, घर जा रहे हम। ओके सो गाइज, बैक टू दी होम, एंड मैं यहाँ पर शॉपिंग करके आया हूँ। ये देखो सबसे पहला जो हमारा लियो है वो सबसे पहले चेकिंग करता है कि आकाश पापा क्या लाए हैं मेरे लिए। कुछ नहीं लाया बेटे, वो रेडी है मतलब देखने के लिए। देखिए ये लाया हूँ मैं, देख ये देख, ये लाया हूँ मैं, हाँ हाँ देखा देखा देखा, ये लाया हूँ मैं अंदर, देखा। बाकी आप यहाँ पर देख रहे होंगे सामान पैक हो रखा है, बिकॉज हमारी मम्मी एंड हमारी वर्षा दीदी जा रहे हैं नेपाल कुछ काम से, कुछ काम इन द सेंस हमारी जो दीदी की शादी होने वाली है उससे रिलेटेड कुछ तो है वो, एंड नेपाल जाने वाली है। सो मम्मी आर यू एक्साइटेड? ऐसा तो कुछ है नहीं, ऐसा कुछ है नहीं क्या? मतलब कितने टाइम बाद जा रही हो नेपाल? लास्ट हम गए थे जब हमारी बड़ी वर्षा दीदी जो थी ना, हमारी बुआ की बेटी, उनका मतलब जो शादी था ना, तब हम उस टाइम पे गए थे, एंड वही है कि अभी जा रही है मम्मी। फिर देन कितने टाइम के लिए जा रहे हो आप? 15-20 दिन के लिए जा रही है मम्मी। ओके सो गाइस, जैसे कि आप लोग अभी देख रहे हो रात के भी नहीं, सुबह के 2:30 बज रहे हैं। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था, हमारी मम्मी एंड हमारी वर्षा दीदी जो कि जा रहे हैं नेपाल। तो मैं जस्ट ऐसे सोच रहा था कि यार मैं भी, मतलब मेरा भी मन कर रहा था नेपाल जाने का, तो मैंने मम्मी को बोला, तो मम्मी बोलती कि अभी नहीं, बाद में ही जाइयो। 50-50% है शायद मैं भी आ सकता हूँ या फिर नहीं भी आ सकता हूँ, बिकॉज मैं जब गया था लास्ट टाइम तो मेरे को इतने सारे लोगों ने इतना ज्यादा प्यार दिखाया था कि मैं बता नहीं सकता आपको। हर घरेलू नुस्खा जो की है, मतलब अगर आप ट्रेन से ट्रेवल करते हो तो ट्रेन में क्या रिस्की रहता है, तो हमारी मम्मी जी है जिन्होंने यहाँ पर ताला लगा दिया ताकि चोरी वोरी ना हो कुछ भी सामान। मेरी माँ बहुत तेज है भाई चोरी से बचने का तरीका। भाई आप अपनी मम्मी के साथ ट्रैवल कर रहे हो तो मतलब आप बिंदास सेफ हो। बाय मम्मी, ध्यान रख, मेरी मम्मी जा रही है, मिस करूंगा। बाय बाय दीदी, मिस करूंगा मैं तेरे को। बाय मेगा, नहीं नहीं ये तो मेरे साथ ही है। ओके सो गाइस, मम्मी और दीदी तो चले गए नेपाल, एंड अगर आप लोग चाहते हो, जितने भी लोग मुझे नेपाल के लोग, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, जो लोग चाहते हैं कि मैं नेपाल आऊं, सो मेरा मैंने एक जस्ट ऐसे ही एम, मतलब एम रखा है कि दैट ये वाले व्लॉग में अगर 40,000 लाइक्स अगर आए तो मैं फॉर श्योर आने वाला हूं नेपाल, एंड नेपाल का ट्रिप बहुत ही क्रेजी होने वाला है इस बार का, एंड जस्ट यही एम था। ओके सो लेट्स सी, देखते हैं कितने सारे लोग लाइक करते हैं। ओके सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ व्लॉग, अभी जा रहे हम घर, आराम से सोऊंगा। ओके बाय।